महादेव की कृपा से मैं बोलूंगा। नहीं सर, अखिलेश जी, ये परमिशन चेयर दे रहा महादेव को किसी और काम के लिए। सर, एक, एक, एक भाई अखिलेश जी, एक भाई महादेव जी अपने सबके हैं। हाँ, उनका उपयोग कभी और कीजिए। तो वो सर खींचते रहते हैं हमको ना, इसलिए उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका गिरिराज जी का सीधा संबंध है? सीधा 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 सर, चुनाव में भी कहते हैं कि मेरी तरफ मत आइएगा। और आप नहीं गए ना सर? याद नहीं है। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आप भी सर देखे होइएगा पूरा, आपको भी अगर याद होगा तो। महादेव की कृपा से हम बैठेंगे तब ना। इनके बाद में मौका दूंगा। महोदय, आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं। पहला तो यह कि उन्होंने 7 बार लगातार बजट प्रस्तुत करके एक रिकॉर्ड बनाया, और दूसरी बात के लिए भी ताली बजाइएगा और तेज। दूसरा इस बात के लिए कि उन्होंने बजट जैसे प्रमाणिक दस्तावेज को एक चुनावी वायदों का पोटली बना के रख दिया। महोदय, मुझे भी संसदीय राजनीति में 2 दशक से ज़्यादा हो गया, विधानसभा में काम करने का अवसर मिला, लोकसभा में काम करने का अवसर मिला, और अब राज्यसभा में आपके समक्ष काम कर रहा हूँ। ऐसा बजट मैंने पहले कभी देखा नहीं जिसमें घोषणाएं की जाती हैं लेकिन न तो किसी आवंटन का जिक्र होता है और न ही उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल होता है। राइट। मैं बिहार से आता हूँ, महादेव की कृपा से, और मैं पहले बिहार की बात करना चाहता हूँ। बीजेपी की सहयोगी वहाँ सत्ताधारी दल इस बजट से लहालोट है कि बिहार को बड़ा भारी पैकेज मिल गया। महादेव की कृपा से मैं बोलूंगा। नहीं सर, अखिलेश जी, ये परमिशन चेयर दे रहा महादेव को किसी और काम के लिए। सर, एक, एक, एक भाई है अखिलेश जी, एक भाई महादेव जी अपने सबके हैं। हाँ, उनका उपयोग कभी और कीजिए। तो वो सर खींचते रहते हैं हमको ना, इसलिए उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका गिरिराज जी का सीधा संबंध है? सीधा 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 सर, चुनाव में भी कहते हैं कि मेरी तरफ मत आइएगा। और आप नहीं गए ना सर? याद नहीं है। लेकिन सर, जो पैकेज की बात है उस पर उपकार सिनेमा में जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार देखने गया था, और उसका एक गाना था सर, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आप भी सर देखे होइएगा पूरा, आपको भी अगर याद होगा तो। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अतीत का हमारा पिछला अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी बिहार में साल 2015 में गांधी मैदान की एक बड़ी रैली में, रैली का पूरा दृश्य गिरिराज बाबू को भी याद होगा, वो थे मंच पर इसलिए उनको और ज़्यादा याद होगा, पूरे बिहार की जनता ने देखा था, जब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी बिहार की बोली लगा रहे हैं। पूछ रहे थे कितना चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अच्छा चलिए 1,25,000 करोड़। ऐसा पैकेज का घोषणा सब लोगों ने देखा बिहार में, पता नहीं उस काल्पनिक पैकेज का क्या हुआ। वित्त मंत्री जी ये यील्ड करें, ये यील्ड करें तो महादेव की कृपा से हम बैठेंगे तब ना। इनके बाद में मौका दूंगा।